और दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से प्राची और रणबीर एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और वहां पे ही रणबीर की नई मैनेजर भी मुलाकात करेगी, क्योंकि अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने जा रहा है। क्योंकि रणबीर आज भी कहीं ना कहीं पूरी तरीका से अगर दोस्त ही किसी को मानता है तो वो प्राची को मानता है अपनी बेटी की के लिए, कि मेरी बेटी अगर आज मेरे पास नहीं है तो उसके जिम्मेदार प्राची है। क्योंकि दोस्तों आज भी वो प्राची को ही पूरी तरीका से जिम्मेदार मानता है, लेकिन वो भूल चुका है कि प्राची ने क्या कुछ नहीं किया वाकई में इस परिवार के लिए। क्योंकि वाकई में प्राची ने बहुत कुछ किया है परिवार के लिए, इसलिए रणबीर का कहना प्राची के लिए कहीं ना कहीं ठीक भी नहीं है। लेकिन दोस्तों आने वाली कहानी में जो एक नया ट्विस्ट और देखने को मिलेगा वो वाकई में और भी घना दिलचस्प नज़ारा है, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से प्राची इस समय सीनियर मैनेजर से भी बड़ी हैं। क्योंकि जो रणबीर की मैनेजर है उसकी भी सीनियर हैं प्राची जिस ऑफिस में, और उसमें रणबीर की मुलाकात जो होने जा रही है फाइनली एक नई मैनेजर के साथ में होने जा रही है। हालांकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी में जो एक से बढ़कर एक नए नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं वो भी घने ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग हैं। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है, और कहानी में ये मोड़ है कि रणबीर को फाइनली अब नई मैनेजर के साथ में होगा प्यार। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कोई वजह नहीं होती, लेकिन रणबीर को फाइनली अब उस लड़की के साथ में प्यार होगा, और जिसके बाद में प्राची भी उसी ऑफिस में है। हालांकि दोनों के बीच में कैसी जुगलबंदी है वो तो आप लोग जानते ही हैं कि कितनी अलग केमिस्ट्री है प्राची और रणबीर की, अब देखने लायक दिलचस्प नज़ारा होगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जल्दी ही रणबीर और प्राची अपनी बेटी के साथ में भी मुलाकात करने जा रहे हैं, क्योंकि जल्दी ही होगी प्राची की मुलाकात उसकी बेटी के साथ में। साथ ही दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा इस कैसे लगी वीडियो।